हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट अनदर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इन द लास्ट लेक्चर आई डिस्कस्ड विद यू सम इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट अनदर इम्पॉर्टेंट ग्लैंड रिलेटेड टू एंडोक्राइनोलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एंडोक्राइन सिस्टम कुछ इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स को शेयर किया था, और प्लस दूसरी चीज़ ये, मैंने आपके साथ एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करी थी और आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी थी। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ ग्लैंड्स कंप्लीट कर दी थी आपके लेक्चर में, और आज हम अनदर ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन हो रखा है, पेनक्रियाज, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ही एक ग्लैंड आती है जिसे हम पेनक्रियास कहते हैं। तो ये पेनक्रियास क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन पेनक्रियास से अराइज़ होते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा डीप में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ताकि आपको इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनक्रियास, ठीक है। तो पेनक्रियास क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन कर रखा है पेनक्रियास का वेट। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पेनक्रियास का वेट कितना होता है। तो पेनक्रियास का वेट जो होता है, ये होता है 60 ग्राम। यानी हमारी बॉडी में जो पेनक्रियास होता है उसका वेट होता है 60 ग्राम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड। नाउ व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीन। तो इसका मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड मीन्स एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देखिए, मैं यहाँ पे बहुत बेसिक से आपको समझा रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसको बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बना के मत समझिएगा, बहुत इजी वे में समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको एंडोक्राइन पढ़ा रही थी, अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया एक्सोक्राइन, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ा रही हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ। द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड मीन्स, इसका मतलब है कि ये जो ग्लैंड होती है हमारी, ये एंडोक्राइन भी है और हमारी एक्सोक्राइन भी है, इसीलिए हम इसे मिक्स ग्लैंड कह रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज़ और, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था टू सिक्रीट समथिंग बाय द ग्लैंड, ठीक है। यानी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंडोक्राइन है, इसका मतलब है कि एंडोक्राइन से हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, इसलिए ये एंडोक्राइन है, ठीक है। अब क्या मतलब है एक्सोक्राइन का, तो एक्सोक्राइन का मतलब यहाँ पे ये है, इसको आप ऐसे समझिए, जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊँगी आगे, जिसमें मैं आपको कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, विटामिन तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, और बाकी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन, फैट, ये सब पढ़ाऊँगी, तब मैं आपको एंजाइम भी अलग से पढ़ाऊँगी, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो फिलहाल हम यहाँ फोकस करते हैं, एंडोक्राइन का मतलब क्या है। एंडोक्राइन का मतलब है जहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, और एक्सोक्राइन का मतलब क्या है, एक्सोक्राइन का मतलब है जहाँ से एंजाइम सिक्रीट होते हैं। मैंने आपको पहले जब विटामिन पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन भी बन जाता है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन भी सिंथेसाइज हो जाता है, विटामिन B12 एंड K, और विटामिन डी तो हमारी बॉडी में स्टोर ही रहता है, प्लस हमारी बॉडी में एंजाइम्स भी होते हैं जो एज अ बायो कैटलिस्ट वर्क करते हैं। तो यहाँ पे एक्सोक्राइन, अभी आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि एक्सोक्राइन मींस एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे द मीनिंग ऑफ मिक्स ग्लैंड मींस एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। और एंडोक्राइन मींस हार्मोन एंड एक्सोक्राइन मींस एंजाइम्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका प्रोपोर्शन देख लेते हैं कि किसकी क्वांटिटी क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे मेंशन मैंने कर रखा है, यहाँ पे जो सिर्फ इसका 2% पार्ट होता है ना, सिर्फ वही होता है एंडोक्राइन, यानी इसमें से सिर्फ 2% ही हार्मोन रिलीज होते हैं, और बाकी के जो 98% है वो यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा पेनक्रियाज है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसमें कि एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों होता है। यहाँ पे 2% हमारा एंडोक्राइन के अंतर्गत आता है, एंड 98% हमारा एक्सोक्राइन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे एंजाइम, जो एंजाइम्स हैं हमारे पेनक्रियाज से, वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होते हैं कंपैरेटिव टू हार्मोन। तो अगर ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि हमारे पेनक्रियाज से सबसे ज़्यादा क्या सिक्रीट होता है, तो हमारे पेनक्रियाज में सबसे ज़्यादा एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ओनली 2% हार्मोन हमारे पेनक्रियाज से रिलीज होते हैं, ठीक है। अच्छा,
पेनक्रियाज में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताई हैं, बाकी जब आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी तो मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी और डिटेल में आपको बताऊँगी। ये सिर्फ आपको एक सिनेरियो के तौर पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे द बीटा सेल्स, इसके अंदर वैसे अल्फा बीटा गामा तीन तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, तो यहाँ पे जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है वो है हमारी द बीटा सेल्स। तो हमारे जो पेनक्रियाज है, ठीक है, हमारे पेनक्रियाज में बीटा सेल्स पाई जाती हैं। अभी जब मैं आपको और डीप में पढ़ाऊँगी तो मैं आपको पेनक्रियाज की लोकेशन और ये बीटा सेल्स की एग्जैक्ट लोकेशन, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये मैं सब आपको बताऊँगी कि हमारी पेनक्रियाज में अल्फा बीटा गामा सेल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप यहाँ फोकस करिए। द बीटा सेल्स फाउंड इन पेनक्रियाज एंड इट इज़ फाउंड एट आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो जो हमारी बीटा सेल्स हैं वो हमारी पेनक्रियाज में होती है, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, और अब ये पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं, ठीक है, वो भी कहाँ होती हैं, वो पर्टिकुलर एक लोकेशन है जिसका नाम है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, इसकी हिंदी एग्जैक्ट ये होती है। तो पेनक्रियाज के अंदर हमारी बीटा सेल्स हैं और बीटा सेल्स भी पेनक्रियाज में कहाँ पे हैं, वो है हमारी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। देखिए, अभी यहाँ पे आपको लेक्चर देखने के बाद में कुछ आपको लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके लग नहीं रहे होंगे, उस चीज़ के बारे में मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इतना डीप में नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बता के पढ़ा रही हूँ। जब आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तब मैं आपको पूरे डिटेल में नोट्स दूंगी, तब आपको एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। द बीटा सेल्स फाउंड इन पैनक्रियाज एंड इट इज़ फाउंड एट आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एंडोक्राइन सिस्टम का, एंडोक्राइनोलॉजी का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और पेनक्रियाज से अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो यही अराइज होता है कि किस सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है और वो सेल्स कहाँ पाई जाती हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, इतने सारे मैंने आपको बता दिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन। जैसा कि आपको पता है कि इंसुलिन भी एक हार्मोन है, ठीक है, तो ये बीटा सेल्स जो हैं हमारी सिक्रीट करती हैं इंसुलिन को, और आपको पता है कि ये इंसुलिन जो है ये ब्लड शुगर लेवल के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको आज पढ़ाया पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का वेट कितना है, 60 ग्राम। इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड इसका मतलब है एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, इसका 2% पार्ट आता है एंडोक्राइन में एंड 98% पार्ट आता है इसका एक्सोक्राइन में। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बीटा सेल्स पाई जाती हैं पेनक्रियाज में, और ये बीटा सेल्स पेनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पर पाई जाती हैं। ठीक है, और अब क्या हो गया यहाँ पे हमारा, द बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन, यानी जो इंसुलिन है वो हमारा बीटा सेल सिक्रीट करती है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ इंसुलिन। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बहुत बेसिक से और डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने इंसुलिन को भी अलग से स्पेसिफाई कर रखा है। नाउ व्हाट इज़ इंसुलिन, क्या है इंसुलिन। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, इंसुलिन है हमारा, इट डाउन्स द ब्लड शुगर लेवल। इसका, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हमारे ब्लड में, ठीक, अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जिन लोग को डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन्स वगैरह लेते हैं, बाय द टैबलेट फॉर्म में और बाय द इंजेक्शन फॉर्म में भी लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा इंसुलिन है ये बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में अब देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी इंसुलिन की। तो ये डिस्कवर्ड बाय वेंटिंग। ठीक, इंसुलिन की जो डिस्कवरी थी वो वेंटिंग ने की थी। ठीक, अच्छा, यहाँ पे क्या है, द डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको विटामिन मेंशन कर दिया है बट ये एग्जैक्टली विटामिन है नहीं, ये द डिफिशियंसी ऑफ दिस लीड्स टू डायबिटीज मेलिटस। देखिए, जो नॉर्मल हमारी डायबिटीज़ हैं, ठीक है, वो डायबिटीज़ जो है हमारी वो इस इंसुलिन की कमी से होती है। अगर ये इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल में कम हो गया तो लोगों को डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। ये इसका साइंटिफिक नेम है, डायबिटीज़ मेलिटस। नॉर्मल हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं बट एग्जैक्टली इसका मीनिंग है डायबिटीज़ मेलिटस, क्योंकि डायबिटीज़ भी कई टाइप की होती है। तो आप यहाँ पे फोकस करिए कि डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती है। अच्छा, अब क्या होता है डायबिटीज़ मेलिटस में, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, इन द डायबिटीज़ मेलिटस
शुगर लेवल इंक्रीज़, ठीक है। डायबिटीज़ जब हो जाती है, जब अनकंट्रोल ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, और वो कहाँ तक बढ़ जाता है, 300। और ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे पेशेंट्स को आके, क्योंकि 300 ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में भी क्वेश्चन आया था, ZN प्रेजेंट इन इंसुलिन, ठीक है। यानी जो हमारा जिंक है वो हमारे इंसुलिन में पाया जाता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ये अराइज कर सकता है कि हमारे इंसुलिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो हमारे इंसुलिन में जो पाया जाता है वो जिंक पाया जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन के बारे में दोबारा से एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को डाउन करता है, ठीक है। और इंसुलिन की डिस्कवरी जो की थी वो वेंटिंग ने की थी, और द डिफिशेंसी ऑफ दिस इंसुलिन लीड्स टू डायबिटीज़ मेलिटस, ये डायबिटीज़ होती है। इस डायबिटीज़ में क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल जो है अनकंट्रोल हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अराइज होकर अप टू 300 पर तक पहुँच जाता है। जब हम इसके इंजेक्शंस लेते हैं इंसुलिन के, तो हमारा ब्लड शुगर लेवल डाउन होता है, ठीक है। तो और इसमें मेटल कौन सा पाया जाता है, तो इंसुलिन में जो है जिंक मेटल पाया जाता है, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं अपनी नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ। हमने अभी तक एड्रीनल ग्लैंड पढ़ ली, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ ली, ठीक है। आज हम पेनक्रियास कंप्लीट किया, आगे के ग्लैंड्स की भी हम स्टडी करेंगे, और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ ज़्यादा टफ बना के एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो आगे प्रोसीड करते हैं अपनी नेक्स्ट ग्लैंड पे, विच इज़ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये तो सब बेसिकली सबको पता ही होगा कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है। तो ये हमारी जो है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और हमारी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी थी, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, पिट्यूटरी ग्लैंड जो थी हमारी वो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थी, और लार्जेस्ट जो है हमारी वो है हमारी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, ये ग्लैंड हमारी कहाँ पाई जाती है, ये ग्लैंड हमारी नेक में पाई जाती है, ठीक है। नेक के सेंटर में, साइड में ये सिचुएटेड रहती है ऐसे साइड में, तो ये जो है ग्लैंड है हमारी ये नेक में पाई जाती है, ठीक है। तो द डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन द स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड एंड द नेम ऑफ डिसीज कॉल्ड गोइटर। अच्छा, ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, इसकी कमी से एक डिसीज़ हो जाती है जिसे हम गोइटर कहते हैं, जिसे हम घेंगा रोग भी कहते हैं। तो ये डिसीज़ किस वजह से होती है, जब हमारी बॉडी में आयोडीन की डिफिशेंसी कम हो जाती है, तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उस पर हमारी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। और ऐसे जो हमारा नेक का जो पोर्शन है वो थोड़ा बाहर स्वेल होकर बाहर निकल जाता है ऐसा राउंड शेप में, तो उस डिसीज़ को हम गोइटर कहते हैं, इसे हिंदी में घेंगा रोग कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी क्यों आ रही है स्वेलिंग, क्योंकि हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड पे आयोडीन की कमी हो रही है, तो इसलिए जो है हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड पर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो इस डिसीज़ को हम गोइटर कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को खाने में, पीने में, निगलने में, क्योंकि नेक का पोर्शन काफ़ी स्वेल हो जाता है, तो जो हमारे लैरिंग्स के बाद में आपका फूड पाइप एंड एयर पाइप होता है, तो काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है वो, थोड़ी सफोकेशन टाइप होने लगती है लोगों को, तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारी थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्या पॉइंट है, द थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट बाय थायराइड ग्लैंड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो उसका आप हार्मोन तो बिल्कुल ही पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से हमारे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम सॉरी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे थे, तो यहाँ पे भी हमारी थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है। ये तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, थायराइड एंड थायरोक्सिन। तो यहाँ पे जो है हमारा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है थायरोक्सिन हार्मोन। अब यही हार्मोन है जो हमारी बॉडी में अगर कम रिलीज़ हो, ठीक है, हमारी बॉडी में जब आयोडीन की कमी होगी तब ये हार्मोन बहुत कम रिलीज़ होगा, जब हमारी बॉडी में ये कम रिलीज़ होगा तब हमारे थायराइड ग्लैंड पे स्वेलिंग आ जाएगी। अब आपको चीज़ें कोरिलेट कर रही हूँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे एक बार बेसिक्स एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा ये। हमारी बॉडी में नेक में एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ठीक। उस थायराइड ग्लैंड से एक थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है। अगर ये हार्मोन कम निकलने लगे तो हमारे बॉडी में गोइटर हो जाता है, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं। अब
क्या ऐसी चीज है जो इस हार्मोन को इफेक्ट करेगी? उसका आंसर है आयोडीन। ठीक, तो ये जो आयोडीन है हमारा, ये हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है अगर थायरोक्सिन कम रिलीज होगा, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, तो हमारी बॉडी में गोइटर हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ की वजह से गोइटर हो जाता है, उस सब्सटेंस का नाम बताइए, तो वो है आपका आयोडीन यानी नमक। ठीक है, आपका जो NaCl है उसकी कमी से थायरोक्सिन हार्मोन जो है कम रिलीज होगा, जो कि थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, और जब वो कम रिलीज होगा तो गोइटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे जो हमारी ग्लैंड है वो है हमारी थाइमस ग्लैंड। ठीक, तो थाइमस ग्लैंड के बारे में देखते हैं। ऑल्सो कॉल्ड चेस्ट ग्लैंड एंड इम्यूनोलॉजिकल ग्लैंड, क्या मतलब है इसका? ये जो हमारी थाइमस है, ये हमारे ऐसे सेंटर में डायफ्राम के अंदर, ये जो है ग्लैंड है हमारे डायफ्राम के अंदर पूरा पोर्शन आ जाता है। तो ये जो है हमारी ग्लैंड, ये चेस्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, चेस्ट के अंदर प्रेजेंट रहेगी, तो चेस्ट के अंदर प्रेजेंट है इसलिए हम इसको चेस्ट ग्लैंड कह रहे हैं, और इसको इम्यूनोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो होता है आपकी WBC इसके अंतर्गत आती हैं। जब आपकी लेक्चर स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बताऊंगी इसमें कि इसे इम्यूनोलॉजिकल ग्लैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि WBC जो है हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि उनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, तो ये उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, उनके नंबर इंक्रीज करती हैं, इसलिए हम इसको इम्यूनोलॉजिकल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और इस ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है हमारा, वो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। ये भी आपको बहुत ईजिली याद हो गया होगा, थाइमस ग्लैंड से हमारा थाइमोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ये थाइमस ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, और ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द बॉडी। देखिए अब यहाँ पे इसका कोरिलेशन हो गया, ये जो चेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, इस हमारी जो थाइमस ग्लैंड है इसको हम चेस्ट ग्लैंड कहते हैं और हम इसको इम्यूनोलॉजिकल ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, जो एक हार्मोन है वो इससे थाइमोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, जो कि हमारा थाइमस ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, और उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, और ये जो है हमारा इट प्रोटेक्ट द बॉडी, ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इम्यूनोलॉजिकल कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये क्या करता है, WBC को स्ट्रेंथ देता है, यानी WBC के नंबर को इंक्रीज़ करता है। और जब आपके अंदर वाइट ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज़ होगा तो बाहर से आपके फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो इतना ईजिली आपकी बॉडी पर अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि WBC हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बाहर से फॉरेन पार्टिकल से। तो ये ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंटीबॉडीज़ के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारी WBCs बनती हैं, और वो किस हार्मोन की वजह से इंड्यूस होती हैं, वो होती हैं थाइमोसिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं अपनी। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड इज़ ओवरी। इसमें आपकी तीन से चार ग्लैंड जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, नंबर सेकंड इस पैनक्रियाज हो गया आपका, एड्रीनल भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखूँ तो आपकी थायराइड, थाइमस, सारी ग्लैंड इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सारी ग्लैंड्स को अच्छे से करिएगा, बट एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन वो पैनक्रियाज से पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, और इंसुलिन से बहुत ज़्यादा पूछता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ओवरी, यहाँ पे इन ओवरी अ होल इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। देखिए ये जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज आ रही है ना, इससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि जब आप ये बोल बोल के याद करेंगे ना तो आपको ये बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ओवरी में एक होल प्रेजेंट होता है जिसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक, तो ओवरी जो होती है हमारी थोड़ी ओवल शेप की होती है, और उसके अंदर एक होल प्रेजेंट होता है जिसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब कार्पस ल्यूटियम तो प्रेजेंट हो गया हमारी ओवरी के अंदर, इसका वर्क क्या होता है? तो इसका वर्क होता है फीमेल्स में एस्ट्रोजन, एंड उसको एस्ट्रॉन भी कहते हैं, ये ओवरी से सिक्रीट होता है, ओवरी के कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट हो रहा है। एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल्स में बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द मेंसेस, एंड इन सब में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल, जिन भी फीमेल्स की बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये फिर प्रॉब्लम कर देता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोन सिक्रीट्स फ्रॉम ओवरी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे द ओवरी सिक्रीट्स एंड अनदर हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज हो गया, ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रोन रिलीज हो गया, एक अनदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं।
ठीक है, इसको इट इज़ अ प्रेगनेंसी हार्मोन। अब इसको हमने यहाँ पे क्यों मेंशन किया कि इट इज़ अ प्रेगनेंसी हार्मोन, तो यहाँ पे जो हमारा एस्ट्रोजन है ये तो ओवरी से सिक्रेट हो गया, और हमारा दो हार्मोन जो है ये प्रोजेस एक एक हार्मोन जो हमारा एस्ट्रोजन हो गया और दूसरा हार्मोन जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, तो टोटल हमारी ओवरी से कितने हार्मोन सिक्रेट हो गए, दो। ठीक है, द ओवरी सिक्रीट्स एंड अनदर हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्ट्रॉन, इट इज़ अ प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये जो हमारा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिन फीमेल्स में पेन और ये सब चीज़ होती है ड्यूरिंग द, वैसे तो सब में होती है बट मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि प्रोजेस्ट्रॉन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन को हम ईजी बर्थ हार्मोन भी कह रहे थे, ठीक है, तो ये ओवरीज में जो हमारा प्रोजेस्ट्रॉन है और उधर हमारा ऑक्सीटोसिन जो हो गया, ये सारे हार्मोन्स जो हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम इसको प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कह रहे हैं यहाँ पे, और हम ऑक्सीटोसिन को इजी बर्थ हार्मोन कह रहे थे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ओवरी है, ओवरी में एक होल होता है, एक गड्ढा टाइप होता है जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और इस कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन या एस्ट्रॉन ये हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि फीमेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, और मैच्योरिटी के टाइम भी फीमेल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ओवरी से एक और हार्मोन निकल रहा है जो कि प्रोजेस्ट्रॉन है, ठीक है, और इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन कह रहे हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फीमेल्स के लिए। अच्छा, आगे प्रोसीड करते हैं टेस्टिस, ठीक है, तो व्हाट इज़ टेस्टिस, तो टेस्टिस इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स, जो मेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है, ठीक है, स्पर्म्स फॉर्म्स इन टेस्टिस, जो टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरी आपने पढ़ ली फीमेल के अंदर, आप टेस्टिस आप पढ़ रहे हैं मेल के अंदर, तो यहाँ पे जो टेस्टिस है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स है, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो टेस्टिस में होती है, ठीक है, और हार्मोन सिक्रीट बाय टेस्टिस यानी हमारे टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रीट होता है, जैसे हमारी ओवरी से एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा था, ठीक है, जिसे हम एस्ट्रॉन कह रहे थे, यहाँ पे जो हमारे टेस्टिस से उस है उससे भी एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है, और हम इसको एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन या एल्डोस्टेरोन, तो ये भी हाँ फीमेल ये सॉरी मेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपकी बियर्ड हो गई और आपकी वॉइस पिच लो होती है जो मेल्स में, वो इसी हार्मोन्स की वजह से होती है। तो जो हमारा एस्ट्रोजन था फीमेल्स में वो आपका प्रेगनेंसी और मेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और ये टेस्टिस जो है यहाँ पे टेस्टिस से जो हमारे स्पर्म्स फॉर्मेशन हो रही है और टेस्टिस से एक और हार्मोन सिक्रीट हो रहा है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन या एल्डोस्टेरोन कह रहे हैं, ये जो है हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेल्स में, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका मेल्स में जितने भी मैच्योरिटी सिम्टम्स यानी बियर्ड हो गई और आपकी बियर्ड हो गई और आपकी वॉइस पिच लो हो गई, ये इसी फॉर्म इसी की वजह से होती है, ठीक है। तो अब हम आगे स्टडी करते हैं अपनी नेक्स्ट ग्लैंड की, वो क्या है, वो है पीनियल ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल भी रही हूँ, मेंशन भी किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, कभी कभार आप जैसे आपको सुबह जल्दी उठना होता है तो आप 5 बजे का टाइम टेबल सेट करते हैं, ठीक है, आप 5 बजे का टाइम टेबल सेट करते हैं, प्लस आपको जब आपने एक पर्टिकुलर रात को टाइम बना रखा है कि मुझे 12 बजे सोना है, ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि आपका वो डेली हैबिट में आ जाता है, तो लोग बोलते हैं कि आदत हो गई है हमें 12 बजे सोने की, आदत हो गई है, वो क्यों आदत हो गई है, उसका साइंटिफिक रीज़न आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा आज, वो आदत इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी में, ठीक है, एक ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, ये पीनियल ग्लैंड जो है ये इसको हम स्लीप एंड वेक ग्लैंड भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगी क्योंकि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, क्यों कहते हैं हम इसको स्लीप एंड वेक ग्लैंड, स्लीप एंड वेक ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि रात को हमने 12 बजे सोने का अपना शेड्यूल किया कि हमें रात को 12 बजे सोना है, हमें नींद आ गई, ठीक है, हमने मॉर्निंग में 5 बजे का अलार्म लगाया कि हमें 5 बजे उठना है, तो हम 5 बजे अलार्म लगा के उठ गए। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आपकी ये चीज़ हैबिचुअल हो जाती है, जब आपको ये चीज़ यूज्ड टू हो जाती है, तो जहाँ आपके 12 बजते हैं आपको नींद आनी शुरू हो जाती है,
ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ टाइम के बाद अलार्म लगाना भी बंद कर देते हैं क्योंकि आपकी 5 बजे ही आँख खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में, ब्रेन में एक सेंटर है जहाँ पे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। यही वो ग्लैंड है जो हमें सोने और उठाने का काम करती है। क्योंकि पर्टिकुलर इस ग्लैंड में, जैसे हमारे फोन में क्लॉक लग जाती है कि हमें अलार्म क्लॉक लग जाता है कि हमें 5 बजे उठना है, एग्जैक्ट हमारे ब्रेन में वही टाइम ये सेट कर लेती है कि इसको 12 बजे सोना है और इसको 5 बजे उठना है। तो एक मूवमेंट के बाद ये हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, ठीक है, सेट हो जाएगा। 12 बजे आपको नींद आने लगेगी और 5 बजे आप अलार्म बजने से पहले ही उठ जाएंगे। कभी कभार ऐसा होगा आप अलार्म बजने से पहले उठ जाएंगे, तो वो उठाने का काम आपको ये पीनियल ग्लैंड करती है। इसीलिए हम इसको स्लीप एंड वेक ग्लैंड कह रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, मैंने आपको बहुत ईजी से समझाया है। तो ठीक है, तो यही, अब ऐसा नहीं है कि आप, कुछ लोग सोचेंगे कि हम रात को 1 बजे सोते हैं तो हम 12 बजे ही नींद आएगी हमें, क्योंकि उस ग्लैंड में जाके हमारा टाइम सेट हो गया है, हमें तो सुबह 8 बजे उठना है तो ये 5 बजे उठा के बिठा देगी हमें। ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलरली आप एक चीज़ को अगर सेट करेंगे, तो जैसे कि आप अपने फ़ोन में भी एक टाइम टेबल सेट करेंगे, वैसे ही वैसे जैसे जैसे आप अपना टाइम टेबल चेंज करेंगे, वैसे वैसे ही इस ग्लैंड के अंदर भी आपका टाइम टेबल चेंज होता रहेगा। सोने और उठाने का, स्लीप एंड वेक का टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा मैंने यहाँ पे ये लाइन मेंशन क्यों करी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर टर्म को, स्लीप एंड वेक ग्लैंड को, हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। और बायोलॉजिकल क्लॉक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बायोलॉजिकली हम उठ भी जा रहे हैं और सो भी जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस ग्लैंड से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन भी रिलीज हो रहा है जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, सोने उठाने का तो काम कर रही है हम, प्लस एक काम और भी कर रही है, इससे मेलाटोनिन भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है हमारा पीनियल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। अगर क्वेश्चन ये आएगा तो आप मार्क करेंगे, ये क्वेश्चन आता है अगर मेलाटोनिन हार्मोन किससे रिलीज हो रहा है, तो आप मार्क करेंगे पीनियल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या वर्क होता है इस मेलाटोनिन का? तो इस मेलाटोनिन का वर्क ये होता है कि ये हार्मोन जो है हमारी बॉडी में मेलानिन फॉर्म करता है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेलानिन जो होता है हमारा, जो कि मैंने आपको बताया था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, वहाँ से तो मेलाटोनिन रिलीज हो रहा था, यहाँ से भी होता है। ये मेलानिन जो है हमारी बॉडी में स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो हमारी बॉडी में स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेलानिन। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड से एक मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेलानिन के लिए। ठीक है, और मेलानिन का मतलब है स्किन कलर फॉर्म करना। कुछ लोगों का कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है, कुछ लोगों का कलर ब्लैक होता है, और कुछ लोगों का सांवला होता है। तो सांवला जो होता है वो पर्टिकुलर स्केल होता है मेलानिन का, कि उसमें एग्जैक्ट मेलानिन है, यानी ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में, मैं आपको चलिए डिटेल में बता ही देती हूँ, अगर आपकी, आप बहुत ज़्यादा गोरे हैं, ठीक है, आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, यानी आपकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट कम है। तो जब आपकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट कम होते हैं ना, तो यूवी रेज बहुत जल्दी आपकी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। तो मेलानिन का एक पर्टिकुलर वो होता है कि आपको इस क्वांटिटी में होना चाहिए। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी। और मैंने आपको यहाँ पे बहुत बेसिक से चीज़ें क्लियर की थी। आपका एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। एंडोक्राइन की पार्ट वर्ड की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, पार्ट टू की भी मैंने अपलोड कर दी वीडियो, और मैंने आपको बहुत बेसिक से पढ़ाया था यहाँ पे। और आज देख, और थोड़ा सा एक बार रिवीजन और कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे पेनक्रियास पढ़ाया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसका वेट होता है 60 ग्राम। ये मिक्स्ड ग्लैंड है, इसमें एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों है। एंडोक्राइन का मतलब है हार्मोन रिलीज कर रहा है, एक्सोक्राइन का मतलब है एंजाइम रिलीज कर रहा है। एंजाइम ज़्यादा क्वांटिटी में 98% में रिलीज होता है, हार्मोन 2% में रिलीज होता है। बीटा सेल्स पाई जाती हैं पेनक्रियाज में, और पेनक्रियाज में भी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस पे पाई जाती हैं बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बीटा सेल्स से भाई हमारा इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है, और इंसुलिन के बारे में मैंने आपको बताया था, कंट्रोल करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को। वेंटिंग ने इसकी खोज की थी। और इसकी डिफिशेंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है, जिसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होकर 300 पहुंच जाता है। इसलिए लोगों को इंसुलिन इनटेक करना पड़ता है ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो जिंक मेटल प्रेजेंट होता है। जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी एंडोक्राइन सिस्टम, इससे ज़्यादा और डिटेल में पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन के बारे में बताऊंगी और काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी। आर्टिफिशियल इंसुलिन कैसे प्रिपेयर होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगी जब आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैं बार बार इस चीज़ को मेंशन कर रही हूँ आपसे, ठीक है, और डिटेल में हम इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ी थायराइड ग्लैंड।
हमारी सबसे छोटी ग्लैंड थी वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड थी जो कि 0.6 की थी, और यहाँ पे ये जो है ये हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, नेक में प्रेजेंट होती है। इसकी डिफिशियंसी से गोइटर हो जाता है। गोइटर इसलिए हो जाता है क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज होता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन क्यों कम रिलीज होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगली ग्लैंड देखते हैं, थाइमस ग्लैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको चेस्ट ग्लैंड कहते हैं, इम्यूनोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि WBC इससे फॉर्म होती हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। WBC ज़्यादा होंगी तो हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन रिलीज़ कर रहा है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देखते हैं ओवरी। ओवरी मैंने आपको बताया कि ओवरी में एक होल होता है जिसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज होता है जिसे हम एस्ट्रॉन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है फीमेल्स के लिए, ठीक। ओवरी में एक अनदर हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसे हम प्रोजेस्ट्रॉन कह रहे हैं, उसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस मैंने आपको बताया मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। यहाँ पे स्पर्म फॉर्म होते हैं, ठीक है। इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो मेल में हमारे बियर्ड आती है और जो वॉइस पिच लो होती है, तो ये इस टेस्टोस्टेरोन के थ्रू ही होती है। जिन लोगों में ये हार्मोन कम रिलीज होता है फिर उनके अंदर अनदर सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। पीनियल ग्लैंड मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसको स्लीप एंड वेक ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकली हमारे ब्रेन में एक टाइम टेबल सेट कर देती है कि आपको इसलिए सोना है, इसलिए उठना है, तो इसलिए हम इसको स्लीप एंड वेक ग्लैंड भी कह रहे हैं। इससे मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, जिसके अंदर मेलानिन होता है, और मेलानिन होता है ये जो है आपका स्किन कलर फॉर्म करने के लिए, बहुत मेलानिन पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ तक रिवीजन करा दिया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, अब हमारा एंडोक्राइन ख़त्म हो गया, मैंने आपको विटामिन पढ़ा दिया, विटामिन्स के मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपको उसमें एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चन लेकर आऊँगी। जो भी क्वेश्चंस आपके CDS में, UPSC, IAS, PCS आपके जितने एग्जाम्स में आए हैं सारे क्वेश्चंस, वो अगली बार मैं जो वीडियो बनाऊंगी उस वीडियो में मैं अपलोड करूंगी, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना इंपॉर्टेंट पढ़ा है और आपको आपके क्वेश्चंस वहां से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।